हाय गाइस, मैं हूं दीपक 91 मोबाइल से और मेरे साथ हैं अनुज शर्मा. ही इज़ द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फॉर Xiaomi इंडिया. और हमने अनुज को आज पकड़ा है Xiaomi Redmi Note 8 Pro के लॉन्च पे. हम लोग अनुज से कुछ बात करने जा रहे हैं Redmi Note सीरीज़ के बारे में, Xiaomi की स्ट्रेटजी के बारे में और कुछ डिवाइसेस जो हम लोग कमिंग टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अनुज, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नोट सीरीज़ जो है Xiaomi की, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है Xiaomi के लिए, बिकॉज वी नो कि नोट स्मार्टफोन जो है शुरू से ही Xiaomi के लिए इंडिया में बहुत पॉपुलर रहा है. तो बहुत ब्रीफली हमें एक थोड़ी सी एवोल्यूशन बताइए कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक जब हम लोग नोट 8 प्रो तक पहुँच चुके हैं, तो वो एवोल्यूशन कैसे रही है? तो सबसे पहला नोट जो आया था वो रेडमी नोट 4G 2014 में आया था. वो भी डिसरप्टिव डिवाइस था, बिकॉज सबसे पहले आपको सब 10,000 रुपी फ़ोन में एक 4G मिल रहा था. वहाँ से Redmi Note 4G से लेकर 2016 में जब Redmi Note 3 आया, वो आई थिंक Xiaomi इंडिया के लिए ही एक लैंडमार्क डिवाइस था, जहाँ पे वो डिवाइस जाके आगे ऑनलाइन में नंबर वन सेलिंग फ़ोन बना. फिर उसका जो सब्सिक्वेंट आया था Redmi Note 4 2017 में, वो ओवरऑल कंट्री का नंबर वन सेलर बना था. और तब से आप नोट 5 सीरीज़ ले लीजिए या नोट 7 सीरीज़ जो इस साल हमने लॉन्च की है, वो कंट्री के बेस्ट सेलिंग सीरीज़ रहे हैं. तो काफ़ी फोकस रहा है, हर सीरीज़ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन आया है. अगर आप नोट 7 और नोट 7 प्रो सीरीज़ देख लेंगे, तो उसमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा का इंट्रोडक्शन था. आज नोट 8 या 8 जनरेशन के साथ आपको उससे भी ज़्यादा हायर परफॉर्मेंस, हायर कैमरा पर फोकस मिल रहा है. तो 64 मेगापिक्सल, आई मीन दैट्स अ बिग थिंग. Xiaomi का पहला स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर्स, फर्स्ट इन द नोट सीरीज़ विद अ 64 मेगापिक्सल. तो अगर हम लोग नोट 8 प्रो की बात करें, तो इसकी हाइलाइट्स क्या हैं? नोट 8 प्रो एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है. कुछ डिवाइस होते हैं सिर्फ कैमरा फोकस्ड होते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं जो गेमिंग फोकस. आजकल गेमिंग डिवाइस और गेमिंग फ़ोन्स आने लगे हैं. हमारा ये थॉट था ये सेपरेट नहीं होना चाहिए. गेमर्स को भी फोटोग्राफी पसंद है, और जो फोटोग्राफर्स हैं वो भी आस्ते आस्ते गेमिंग की तरफ जा रहे हैं. हम चाहते थे कि अपने अगले Redmi Note के साथ वो कंबाइन करें. तो आपको जब नोट 8 प्रो में आपको हाई परफॉर्मेंस भी मिलती है, ऑलमोस्ट 34% फास्टर कंपेयर टू अपना नोट 7 प्रो, बट आपको कैमराज भी मिल रहे हैं. आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, उसके साथ साथ एक अल्ट्रा वाइड एंगल मिल रहा है लेंस, एक मैक्रो लेंस भी मिल रहा है. तो फोटोग्राफर्स के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, और गेमर्स या पीपल जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं. सो प्रीटी मच काफ़ी ऑलराउंड डिवाइस है. लेकिन मीडिया टेक G90T प्रोसेसर, तो Xiaomi के मोस्टली ऑफरिंग्स इंडिया में स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर बेस्ड रहे हैं. और अभी लेटली हमने देखा है कुछ डिवाइसेस आए हैं मीडिया टेक प्रोसेसर बेस्ड, बट नाउ विद द नोट 8 प्रो विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर Xiaomi, आपने मीडिया टेक प्रोसेसर यूज़ किया है. तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो प्रोसेसर यूज़ करने का रीज़न क्या था, और Xiaomi और मीडिया टेक की पार्टनरशिप के बारे में. सो पार्टनरशिप वहाँ से शुरू हुई जब से हमने ये डिटेक्ट किया कि एक मार्केट में गैप आ रहा था. एक्चुअली अगर आप देखेंगे, पिछले साल अराउंड फरवरी मार्च में जो मोबाइल गेमिंग है वो काफ़ी बूम करने लगी. तो करीबन 1.5 साल हो गया है इसको. तब से वो रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो काफ़ी सारे लोग खरीद सकें. गेमिंग फ़ोन्स हैं, और सारे गेमिंग फ़ोन्स आपको 40,000 ऑनवर्ड्स मिलते हैं. आपको गेमिंग फोकस्ड डिवाइस चाहिए, बट जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, जैसे नोट सीरीज़ नॉर्मली इंडिया की बेस्ट सेलिंग सीरीज़ रही है, जैसे नोट 4, नोट 5 दोनों ने 10-10 मिलियन फ़ोन्स बेचे थे. तो हमें चाहते थे कि नोट 8 के साथ भी वो करें, और काफ़ी सारे लोगों को चांस मिलता है कि वो गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकें जो हाई एंड गेमिंग है. जो मीडिया टेक से बात कर रहे थे, तो मीडिया टेक के साथ हमारा जो पार्टनरशिप थी, और हमने जो डिसाइड किया कि एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसमें आपको गेमिंग फोकस मिले, यहाँ पे आपका CPU और GPU मैच्ड हो. उसके साथ साथ काफ़ी और चीज़ें भी थी. तो CPU GPU मैच करने से आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है, गेमिंग में तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ CPU में भी
कॉर्टेक्स A76 कोर्स यूज़ करने से आपको CPU परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो मल्टीटास्किंग में भी बेटर है और हाई परफॉर्मेंस गेमिंग में भी बेटर है। उसके साथ साथ आपको एनहांस्ड इमेजिंग ऑप्शंस मिले, ISP में इम्प्रूवमेंट मिली, और आई थिंक वन काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर बन रहा है अब हमारे लिए, एंड लुकिंग एट जो आज रिएक्शन था, इस सेगमेंट में ये पहला फ़ोन है ग्लोबली जिसमें आपको ड्यूअल वेक वर्ड है, जो हमने को डेवलप किया मीडिया टेक टीम के साथ और साथ साथ अमेज़ॉन टीम के साथ। सो मूविंग फ्रॉम द रेडमी सीरीज़ एंड कमिंग टू द के सीरीज़, जो के सीरीज़ अभी हाल ही में Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, फ्लैगशिप ग्रेड प्रोडक्ट, तो फ्यूचर में हम लोग क्या प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? K30 की ऑलरेडी बात हो रही है मार्केट में, डेफिनेटली K30 बनाने की ट्राई करेंगे हम। K20 पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, नॉट जस्ट इंडिया में बट ग्लोबली, काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में इट वॉज़ नोन एज Mi 90, इंडिया एंड चाइना टू बिग मार्केट्स, इट वॉज़ कॉल्ड K20। वी आर लुकिंग कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या क्या लाना चाहिए, कौन से नए फीचर्स होंगे, और आपको ये भी प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा कि जब तक अगले साल तक यूज़र प्रेफरेंसेस क्या होंगे उस प्राइस बैंड में और क्या लाना चाहिए। तो फोकस रहेगा के सीरीज सक्सेस देख के, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि एक नई जनरेशन भी आए यहाँ पे, लोगों को फिर से वही वैल्यू मिले, वही एक्सपीरियंस मिले एक प्रीमियम डिवाइस का। जब हम इनोवेशन की बात करें, स्पेशली इनोवेशन Xiaomi की तरफ से, तो हमने हाल ही में Mi Mix Alpha के बारे में सुना है, अनफॉर्चुनेटली देखा तो नहीं है और उम्मीद रखते हैं कि शायद देखने को मिले। तो उसी उम्मीद के रीज़न से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि Mi Mix Alpha एंड वी नो दैट इट्स अ कॉन्सेप्ट डिवाइस, तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में शायद नहीं जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली इनोवेशन की बात करें और इंडिया की बात करें और Xiaomi की बात करें, तो हम लोग Xiaomi से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनोवेशन पे फोकस रहेगा, बट इंडिया आप जैसे देखेंगे मार्केट, अगर हम सेल के लिए लाएंगे तो काफ़ी लिमिटेड रहेगा। एक्चुअली अगर चाइना में आपको उसका प्राइस देखेंगे तो अराउंड 20,000 RMB या युआन है, जो 2 लाख के ऊपर चले जाती है उसकी कॉस्ट। कॉन्सेप्ट फ़ोन है, वर्ल्ड का फर्स्ट है, जिसमें आपको पूरा कर्वेचर डिस्प्ले मिल रहा है, 7.8 इंच डिस्प्ले जो आगे से पीछे तक जा रहा है। आप हमें दिखा सकते हैं ये? उन्होंने अभी मेरे पास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वर्ल्ड का फर्स्ट 108 MP कैमरा है, बट द आइडिया मिक्स में शुरू से रहा है, Mi Mix 1 से लेकर अभी तक, कि हाउ कैन यू पुश द लिमिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड Mi Mix Alpha इज़ टेकिंग इट अ स्टेप फर्दर। फॉर एग्जाम्पल Mix 1 वॉज कॉन्सेप्ट, उसका Mix 2 में एक प्रोडक्शन यूनिट आया था, और हमने यहाँ पर Mix 2 लॉन्च भी किया था इंडिया में। वहाँ से फिर Mix 3 फिर से कॉन्सेप्ट फ़ोन था, जहाँ पर आपका स्लाइडर आ रहा था, बट वो मास प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें काफ़ी फ़ोन्स काफ़ी कंट्रीज़ में लॉन्च भी किए थे। Mi Mix Alpha आई थिंक Mix सीरीज़ के लिए भी सबसे बड़ी लीप है, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिल रही है उसमें जो अभी एट लार्ज स्केल लार्ज वॉल्यूम अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर हम चाहते भी तो बहुत सारे फ़ोन्स नहीं बनाते, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि आपको ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है इस टाइम पे, इसलिए वो कॉन्सेप्ट फ़ोन बोला जा रहा है। कुछ फ़ोन्स बनेंगे, कुछ फ़ोन सेल पे भी जाएंगे ग्लोबली, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में। सो 64 MP ऑलरेडी आ गया Redmi Note 8 Pro के साथ, 108 MP Mi Mix Alpha इज़ द फर्स्ट फ़ोन, तो Xiaomi से किसी मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 108 MP कैमरा? कोशिश तो यही रहेगी। देखो आप, अगर हम देखोगे आप, तो जब सारे ब्रांड्स 48 को प्रीमियम में लाने की ट्राई कर रहे थे, हमने लॉन्च ही किया नोट सीरीज़ के साथ, इनोवेशन फॉर ऑल। जितने ज़्यादा लोग ये टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करेंगे, उतनी ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी फॉर द मासेस, वही बिलीफ रहा है। अब हम 64 भी ऐसा कर रहे हैं, 108 अभी बहुत ही कॉन्सेप्ट स्टेज पे है, दैट्स वाई अभी लिमिटेड है। हो सकता है जब वो मास प्रोडक्शन में जाएगा, अगर उसकी कॉस्ट वायबल होगी, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड ब्रिंग इट टू अ लार्जर सेट ऑफ पीपल। अनुज, ये सवाल हम लोग कुछ टाइम से Xiaomi से पूछ रहे हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स एंड रीडर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन सेम क्वेश्चन, कि पोको में क्या चल रहा है एंड पोको में हम लोग कुछ नया मॉडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? मुझे भी काफ़ी सवाल आते हैं पोको पे। पोको, जैसे मैंने पहले भी बोला है, पोको एक सेपरेट टीम है, वाइल दे आर पार्ट ऑफ Xiaomi, दे इनक्यूबेटेड बाय Xiaomi,
they make their own decisions. So Poco team is doing their own product planning. They do their own go-to-market planning. So उन पे depend करता है कि वो कब F2, E2 जो भी है second generation basically F1 का लाना चाहते हैं और क्या लाना चाहते हैं. तो वो Poco team ही answer कर सकती है. मेरे पास इतने answers हैं नहीं उसके. Anuj, Xiaomi जब से India में आया से लेकर अब तक जो competitive landscape है वो काफी बदल चुका है. तो जो कंपटीशन पहले मार्केट में था काफ़ी कॉम्पिटिटर्स आए चले गए, लेकिन इस पॉइंट पे जितना कंपटीशन Xiaomi को फेस कर रहा है वो पहले कभी नहीं था. और वो बहुत ही पावरफुल कंपटीशन है, बहुत ही कंपेलिंग ऑप्शंस हैं मार्केट में Xiaomi के डिवाइसेस के अगेंस्ट. तो उसको टैकल करने के लिए Xiaomi की स्ट्रेटजी क्या है ब्रांड पर्सपेक्टिव से और फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव. सी हमारी जो फिलॉसफी है which is innovation for all. हमारा जो overall last year जब IPO के time हमने announce किया था कि हम 5% के ऊपर profit बनाएंगे नहीं, वो भी उसी से linked है. And idea यही था कि जितने ज़्यादा लोग advanced technology को use कर सकें उतना better रहेगा. अगर competition वो ला के कर सकता है we will be happy because उससे market बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को experience करने का chance मिल रहा है. That philosophy has to be core. It is the belief that we have. If people can do it, we are happy. It is extending the entire market. I think larger competition for Xiaomi would be the other side of the philosophy. People who are charging a lot more for the same, which means you are limiting it. कि थोड़े लोगों को आपको technology मिलेगी, बाकी लोगों को कि access या हाथ से बाहर रहेगा. That is a fundamental philosophical shift that we don't align to. So that is it. Brands aayenge, brands jayenge. Jiski philosophy jyada strong hogi, jiski puri team us belief ke saath kaam kar rahi hai, hopefully wo success rahega. So moving from that and taking that approach to a product perspective, ab hum log Redmi series Xiaomi ki already bahut popular hai aur wohi स्मार्टफोन्स की बात करें Xiaomi की बात करें तो Redmi सीरीज़ ही उसका कोर है. लेकिन Mi सीरीज़ Xiaomi ने इनफैक्ट इंडिया में Mi 3 के साथ स्टार्ट किया था और अभी जो Mi सीरीज़ हम लोग इंडिया में देख रहे हैं वो है A रेंज जो है Android One सीरीज़ Mi A3 हाल ही में आया था. तो चाइना में बहुत और मॉडल्स हैं Mi रेंज में. आई थिंक नोट है Mi फ्लैगशिप सीरीज़ है. तो वो इंडिया में लाने का कुछ प्लान फोकस रहेगा अभी तक. देखा मी सीरीज़ जो है वो कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी पे है तो वो थोड़ी सी प्राइस में ऊपर चले जाती है. अभी तक ये हमारा फोकस रहा है कि जितनी लार्जर सेगमेंट ऑफ मार्केट है अगर आप इंडिया को देखें तो बिलो $250 और तकरीबन आप 15-16,000 रुपीज़ ले लो ऑलमोस्ट 85-90% ऑफ द मार्केट इज़ बिलो दैट प्राइस. जितना आप ऊपर जाओगे उतनी छोटी मार्केट होती जाएगी. जितनी छोटी मार्केट है उतना और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग स्केल मिलेगा. उसमें और डिफ़िकल्टी आती है कि हाउ डू वी एट Xiaomi ऑपरेट एट दैट लार्ज स्केल गिविंग द बेस्ट वैल्यू टू आवर कस्टमर्स. तो वो अभी प्रॉब्लम रही है. बाकी कंट्रीज़ में ASP जो एवरेज सेलिंग प्राइस फ़ोन्स का है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है. जैसे अगर आप इंडिया और चाइना में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का गैप है. तो चाइना में मार्केट थोड़ी ज़्यादा और मैच्योर है और वहाँ पे Mi सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं हमारे. रिसेंटली जो Mi 9 सीरीज़ रहा है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. इंडिया में आई थिंक स्लोली ASPs मूव कर रहे हैं. आपका सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है. जब मार्केट रेडी होगा होपफुली इन द नेक्स्ट ईयर और टू वी विल डेफिनेटली लाइक टू ब्रिंग दोज टेक्नोलॉजी आई थिंक शो केसेस हमारी साइड से टू इंडिया एज वेल. अनुज, हम लोग Xiaomi के इकोसिस्टम डिवाइसेस की बात करें तो Xiaomi ने बहुत कैटेगरीज ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च कर दी हैं. अभी हाल ही में हमने वाटर प्योरीफायर देखा Xiaomi से और आज एक नया एयर प्योरीफायर लॉन्च हुआ है जो काफ़ी अच्छे टाइम पे हुआ है क्योंकि अब दिवाली सीज़न आ रहा है और उस प्रोडक्ट की काफ़ी ज़रूरत है और काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट भी है. तो आगे जाके कमिंग ईयर में वी आर ऑलरेडी अप्रोचिंग 2020, तो हम लोग क्या नए डिवाइसेस इकोसिस्टम रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मे बी लैपटॉप्स, मे बी समथिंग एल्स, होपफुली. सी फोकस तो हमेशा रहेगा कि जहाँ पे मार्केट
रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हैं वहाँ, एंड जहाँ पे Xiaomi एक डिफरेंस कर सकता है, जहाँ पे मार्केट डिस्टर्ब कर सकता है, वहाँ पे हम डेफिनेटली लाना चाहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे एयर प्योरीफायर, तो एक्चुअली एज ए कैटेगरी इन इंडिया 2016 में हमने प्रीटी मच किक ऑफ की थी, बिकॉज तब तक इतना अवेयरनेस नहीं थी अबाउट एयर पोल्यूशन। वहाँ से अब तक काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। वाटर प्योरीफायर में जो मेन डिस्ट्रप्शन आ रही है कि आपका DIY रिप्लेसमेंट, फ़िल्टर रिप्लेसमेंट है, कि आपको किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता, कोई किसी की वेट नहीं करनी पड़ेगी, कोई आएगा आपका फ़िल्टर रिप्लेस करेगा वाटर प्योरीफायर से। और वाटर प्योरीफायर सबके घर में है ऑलमोस्ट आजकल। तो वो डिस्ट्रप्शन जहाँ पे जिस कैटेगरी में ला सकते हैं वहाँ पे हम डेफिनेटली फोकस रहेगा। बट हम बहुत सारी कैटेगरीज एक साथ लॉन्च नहीं कर सकते। अब अगर आप 2016 में एयर प्योरीफायर्स देखेंगे, तो 2018 में हमने स्मार्ट TVs लॉन्च किए थे, ऑलमोस्ट 4 years आफ्टर वी हैड कम टू इंडिया। क्योंकि मार्केट स्टडी करके क्या चाहिए कंज्यूमर्स को और कहाँ पे बहुत सारा गैप है जो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे इन्फॉर्मेशन के साथ हम कवर कर सकते हैं। इस साल आई थिंक किचन में पहली एंट्री है हमारी विद वाटर प्योरीफायर। होपफुली अगले साल कुछ और कैटेगरीज में कर सकते हैं। लैपटॉप्स का हमेशा फोकस रहा है, बट लैपटॉप्स में अभी आई डोंट थिंक हमारे पास बहुत डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट है। और दूसरी बात है कि जो हमारे जैसे चाइना में लैपटॉप्स काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बट वो सारे 5,000-6,000 RMB के हैं, मतलब अराउंड 50,000-60,000 के बीच में। इंडियन मार्केट अभी मोस्टली अबाउट 25,000-30,000 रुपये पे है। वो वाला लैपटॉप अगर हम यहाँ पे ले आएंगे उस प्राइस के लिए फिर भी बेस्ट रहेगा, बट टोटली मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो अब उसके लिए काफ़ी इंजीनियरिंग चाहिए होगी, काफ़ी री इंजीनियरिंग चाहिए होगी, एंड वी हैव टू प्रॉब्ली वेट फॉर द राइट प्रोडक्ट बिफोर वी कम इन। All right, thanks so much, Anuj. We'll end that on this disruptive note. Wishing you all the best for the Diwali season and lots more disruption ahead. So thanks so much for joining us. Thanks again.